अब इस लंगड़े को देख, ये भी चोरियां करता है। अबे ओ लंगड़े, जो तेरी कछुए वाली टोर है, देखता हूँ कहाँ तक तू जाता है। अच्छा तो तूने मुझे कछुआ बोला, रुक मैं तुझे भी मदद चखाता हूँ। ओह नो, हाँ भाई लंगड़े, डर गया क्या? इससे आगे नहीं जा सकता था। पांक पांक। ओ तो मुझे छोड़, अब अपनी खैर मना। हैं? अबे लंगड़े क्या मतलब तेरा? ओए तू सीधी तरह तो मेरे पैसे नहीं देने वाला था, मजबूरन मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ी। अब मेरा भाई पुलिस के साथ आ रहा है। ओह नो। अबे ओ लंगड़े, तू पागल तो नहीं हो गया? किस चीज के पैसे? तू है कौन? मैं तो तुझे जानता तक नहीं। अच्छा थोड़ी देर रुक, जब पुलिस आएगी तब तुझे पता चल जाएगा कि किस चीज के पैसे। ओए लंगड़े मेहरबानी कर यार, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पुलिस को मत बुला। हाँ तो शराफत से मेरे पैसे दे दे, पुलिस को रोक देता हूँ। लेकिन भाई आप हैं कौन, सीधी तरह बता दे, मैं तो आपको जानता भी नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, पुलिस खुद आकर तुमसे पूछ लेगी। नहीं नहीं भाई, पुलिस को मत बुलाना, मैं देता हूँ आपके पैसे। कितने हैं? तो फिर ठीक है, 10,000 है, निकाल, मैं भी पुलिस को रोक देता हूँ। यार ये मैं किस मुसीबत में फंस गया, अब इसको 10,000 देना पड़ेगा वरना खामखा पुलिस की मार पड़ेगी। ये लें भाई 10,000। ये देख, जब अनजान मुर्गा फंस जाए ना जाल में तो इसी तरह लूटा करते हैं। हाँ तो शिकार किसने बताया था, लेकिन फिर भी तूने कमाल कर दिया। हाँ हाँ चल, अब तो काम हो गया, अब लंगड़ाना किस बात का। बेचारा कैसे गिड़गिड़ा रहा था, फिर भी 10,000 का चूना लगा दिया हमने। यार ये तू कैसे कर लेता है यार, मुझे भी बता आखिर। ओए देखा नहीं तूने, मैं लंगड़ा बन गया, मैंने कैसे डराया पुलिस को बुलाता हूँ। वो बोला पुलिस को मत बुलाना, पुलिस को मत बुलाना, लेकिन मैं खुद पुलिस से डरता हूँ। यार डरता तो मैं भी हूँ यार, अगर किसी दिन पकड़े गए तो। ओ यार सब्र रख, कुछ नहीं होता। अच्छा ये बता कल को क्या करना है। अरे भाई छोड़ इन बातों को, कल का कल देखेंगे। अरे भाई कितनी देर है आर्डर को। वाह 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 वाह, क्या इंसानियत है तुम दोनों में, किसी गरीब को लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे यार क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को, आखिर तुम लोगों ने मरना नहीं है, कुछ अपने लिए भी अच्छा सोचो यार। दोस्तों ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है, आजकल के दौर में इस तरह की हरकत लोग जरूर करते हैं, आप लोग होशियार रहें और इस तरह के लोगों से दूर रहें। शुक्रिया।